Welcome everyone, this is me Shriya this side. तो आज की वीडियो में हम NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, ये सभी बच्चों को लगता है कि बहुत ही कंफ्यूजनिंग सा है. नहीं है, सब कुछ नहीं है. अगर आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट पता हो तो ये बहुत ईजी है. ठीक है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है कि हाँ भाई कहाँ कौन सा Na पॉजिटिव आएगा, कहाँ Cl नेगेटिव आएगा. तो ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या. Brevis lattices of NaCl if FCC with the base of Na positive Cl ion. देखिए, ये कह रहा है कि ये face centered cubic system होगा. Brevis ने बोला था कि Brevis lattice के according, ठीक है, जिसका एक base, जिसके base पर एक Na positive ion होगा, एक Cl negative का ion होगा, ठीक है, separated by one half the body diagonal of unit cell. वन हाफ द बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल. देखिए, थ्योरी से अलावा, थ्योरी के बजाय अगर हम उस खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो देखिए, कंस्ट्रक्शन से पहले आप कुछ दिमाग में बिठा लीजिए कि हमने कोई भी, बस उसके इंडिकेशन देनी है कि एन ए पॉजिटिव को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और सी एल नेगेटिव को हम ऐसे होलो के साथ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम अपना क्यूब बनाते हैं. ठीक है, सिंपल है, कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है. तो इस पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो देखिए, अब मैं सबसे पहले तो इनके एक्सिस को ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से. ठीक है, ये ज्वाइन हो गए. देखिए, अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, हमें प्लेन्स को भी ज्वाइन करना है. तो सबसे पहले तो हम इसको सेंटर से यहाँ ज्वाइन करते हैं. ये देखिए, ये इस तरह से ये सेंटर पे ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है, पैरेलल लाइन. उसी तरह से इन दोनों के सेंटर्स भी आपस में ज्वाइन करने. ये देखिए, इधर को ये ऐसे ज्वाइन हो गया. ठीक है, उधर इधर भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे. बिल्कुल ठीक तरह से ऐसे ये ज्वाइन हो गया. अब ये जो बेस है, बेस को भी तो ज्वाइन करना ना, तो बेस भी हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, मतलब ये जो क्यूब था ना, उसके अंदर हमने एक प्लेन डाल दिया ऐसे. ठीक है, अब हम एक ऐसे वर्टिकल इस तरह से प्लेन डालेंगे. ऐसे डालना, ये क्यूब के अंदर, ये मेरा क्यूब पड़ा हुआ था और मैंने इसको सेंटर से ऐसे प्लेन डाल दिया. अब क्यूब को इस तरह से, यानी ऐसे प्लेन डालेंगे, तो वो कैसे होगा. ये देखिए, इस तरह से ये ऊपर वाले प्लेन्स को जोड़ेंगे, फिर ये यहाँ से ये जोड़ेंगे. अब वो पीछे से होगा, ये इस तरह से ये जोड़ेंगे आपस में. ठीक है, और सॉरी, ये गलत जोड़ दिया मैंने, ये नीचे तक जाएगा. ठीक, और ये नीचे अब बेस जुड़ेगा आपस में से, इस तरह से बेस जुड़ेगा. यानी अब एक प्लेन ऐसे था. अब ये कंफ्यूज मत हो, ये देखिए, एक ये प्लेन है ये वाला, और एक अभी ये ऐसे नीचे वाला प्लेन. ठीक है, मान लीजिए ना, क्यूब था और एक ब्लेड मैंने ऐसे डाल दिया और एक ब्लेड मैंने ऐसे डाल दिया, वो चार कोने बन जाएंगे. वो चार कोने, ये एक दो तीन चार, इस तरह से. ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ऐसे डाल दिया, अब मुझे उसको बीच में से ब्लेड डालना. ठीक है, आपने ऊपर से ऐसे भी डाल दिया, अब नीचे बीच में से डालेंगे, वो होगा ऐसे. तो पहले तो ये इधर से हम जोड़ लेते हैं इन्हें पीछे से, इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे. सॉरी, ठीक है, ये जुड़ गए. अब ये अपने अपने एक्सिस के साथ जुड़ेंगे ऐसे, और ये इसके साथ जुड़ेगा ऐसे, और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से. ठीक है, ये ऐसे ब्लेड डाला मैंने. अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला, इतना ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं बताती हूँ, ये ऐसे है. अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है. इन दोनों के सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, मैंने इनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया. कन्फ्यूज मत होइएगा, मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूज नहीं है, पर इसे समझिएगा ध्यान से. और ये सेंटर, इनके सेंटर को भी मैं इस तरह से आपस में जोड़ दिया. ठीक है, और जब मैंने इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ा तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया. कुछ नहीं किया मैंने, बस ये प्लेन था और एक वो प्लेन था और एक ये प्लेन था, इन्हें मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है. तो ऐसा टेंशन, बस वो एक रबड़ समझ लिए, क्यूबिकल रबड़ था, उस पर मैंने एक ऐसे ब्लेड डाला, एक नीचे से ब्लेड डाला, बस और कुछ नहीं किया. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे Cl को कैसे हमने ऑरिजिनेट करना है. जो हमारा Cl है वो कॉर्नर्स पर होगा हमेशा, तो यहाँ पर एक होगा, इस कॉर्नर पर होगा, ये चार कॉर्नर है, ये ऊपर वाला हिस्सा है हमारा. अब नीचे देखते हैं, नीचे भी तो चार कॉर्नर होंगे, एक ये है. अच्छा, ये कॉर्नर्स देखने के बाद शायद आपको थोड़ी फिगर क्लियर हो जाए. ठीक है, इसके कॉर्नर ऊपर और नीचे, टॉप और बेस के कॉर्नर, लेकिन ये जो बीच वाली है ना, इसके कॉर्नर्स पर नहीं होगा, इसके सेंटर पर होगा.
इस तरह से इसके सेंटर पर होगा, इसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा जहाँ पर सारे प्लेन्स कट कर रहे हैं ये वो वाली पॉइंट है। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखिए ये हमने सीएल की अरेंजमेंट करी है, अब यहाँ पर भी एक सेंटर में सीएल आएगा और एक इसके सेंटर में सीएल आएगा, इन दोनों की तरफ तो सीएल आ ही गया। ठीक है, तो हम काउंट कर लेते हैं हमारे सीएल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हमारे टोटल 14 तो सीएल हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनए पॉजिटिव की, जितने हिस्से बच गए हैं वहां पर एनए पॉजिटिव आएगा। कैसे, ऊपर की बात करें, यहाँ पर एनए आएगा, यहाँ पर एनए आएगा, एक यहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, चार ये हो गए। अगर ये 14 तो वो 13, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, वैसा कुछ खास नहीं है, 14 है वो 13 होते हैं, चार ये हो गए। अब नीचे वाले देखो, एजिस पर बनेगा ये हो गए, चार ये हो गए। अब ये वाला प्लेन देखो, एक तो ये सेंटर में बनेगा एन ए, हमेशा याद रखना, और एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक एक ये हमारे पास हो जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, टोटल बन गए ये कितने होंगे हमारे पास, 13। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि एक क्लोरीन का जो आयन है वो दो सोडियम के आयन से घिरा होगा, एक सोडियम का जो है ना दो क्लोरीन के आयन से घिरा होगा। जैसे अब ये बेचारा है जो हमारा सेंटर में पड़ा है, ये दो उसके साथ घिरा होगा, जो हमारा सोडियम है दो क्लोरीन के साथ घिरा होगा। इसी तरह ये जो है इसके इधर इधर भी, इधर भी, इधर भी हर जगह क्लोरीन है, इस वाले को देख रहे इसके इधर 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 हर जगह क्लोरीन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे एक्सेस के बारे में, तो सबसे पहले बात लिखते हैं हम एनए पॉजिटिव के जो हमारे हैं उनके एक्सेस। देखिए हाफ हाफ ये हमारे मिलर इंडिसेस होंगे इनके, फिर आएगा हमारे पास 0, 0, 1/2, 0, 1/2, 0, 1/2, 0, 0। अब फिर बात करेंगे सीएल नेगेटिव की, ये एनए पॉजिटिव था, ये सीएल नेगेटिव होगा। इनके बीच में कॉमास मत डालना है क्योंकि अभी वो मिलर इंडिसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जहाँ एनए होगा उसके ऑपोजिट जगह पर क्या होगा, सीएल होगा, कभी भी एक टाइम पर सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो सीएल के ऑफकोर्स इसके कंपैरेटिवली 0, 0 और 0 बन जाएंगे। इधर आ जाइए, जहाँ जहाँ 0 है 1/2, 1/2, 0, इधर बन जाएगा 1/2, 0, 0, 1/2, 0, 1/2, 1/2। देखिए ये बन गए, ये आने पॉजिटिव के एक्सेस, ये सी एल नेगेटिव के मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो अब जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था, देखिए हर जो एटम होगा ना वो अपने, अगर कोई सोडियम आयन है ठीक है तो क्लोरीन, वो 6 क्लोरीन आयन से घिरा होगा, और अगर कोई क्लोरीन है तो वो 6 सोडियम आयन से घिरा होगा। ठीक है, तो एन ए सी एल का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं ना कि वो कितने नंबर से कोऑर्डिनेट कर रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ जाएगा 6, क्योंकि एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से घिरा और एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा है। ठीक है, तो KCl, MgO एंड KBr, ये एग्जांपल्स कुछ हैं जो सेम NaCl के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो होपफुली आपको NaCl का स्ट्रक्चर समझ आ गया हो, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।